हेलो गाइस, स्वागत हमारे चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप पे। गाइस, आज हम क्लास नाइन्थ में चैप्टर एट को डिस्कस करेंगे। चैप्टर एट के थ्योरम 8.1 को डिस्कस करेंगे। गाइस, 8.1 थ्योरम में बताया गया है कि कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें उसके डायगोनल, जैसे कि डायगोनल ए सी है, इसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ठीक है गाइस, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए डी सी के, यानी कि ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इस वाले ट्रायंगल के। गाइज, हमें ये प्रूफ करना होगा, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए गिवन मेरे पास सिर्फ इतना है कि ए बी सी डी क्या एक पैरेललोग्राम है, ठीक है गाइज। अब प्रूफ करने के लिए मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए डी सी, दोनों ट्रायंगल को मैंने ले लिया। इस ट्रायंगल का नाम है डी ए सी और दूसरे ट्रायंगल का नाम है सी बी ए, ठीक है। हमें पता गाइज कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि सी डी इक्वल होगा ए बी के, सी डी इक्वल होगा ए बी के, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मैं क्या लिखूंगा कि मेरा ए बी इक्वल है सी डी के, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है गाइस। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, भुजाएं समान होती हैं, ठीक है गाइस। जैसे मैंने सी डी इक्वल कर दिया ए बी के, सिमिलरली ए डी भी इक्वल होगा किसके, बी सी के, क्योंकि ए डी और बी सी भी क्या है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। यही गाइस सेम आ जाएगा, ये भी क्या है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और ए सी इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, ए सी इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो ए सी ए सी पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस, यानी कि उभयनिष्ठ। तो पहले साइड आई, फिर साइड आई और फिर साइड आई, इस रूल से ट्रायंगल मेरा ए डी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी सी के बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी क्रिटेरियन के थ्रू, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था कि किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ये मैंने प्रूफ कर दिया। कैसे किया कि ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, ये साइड और ये साइड मेरी क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि ये भी क्या, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, और तीसरी साइड कॉमन आ गई, इस रूल से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है गाइस। तो अब डिस्कस करते हैं हम थ्योरम नंबर 8.2। 8.2 थ्योरम में बोला गया है कि कोई, जैसे कि इसमें भी अगेन गिवन अ पैरेललोग्राम है, गिवन दिया है, ठीक है गाइस। अब 8.2 थ्योरम में बोला गया है कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है, बोला है सिद्ध करो कि इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब ए डी इक्वल होता है बी सी के और ए बी इक्वल है सी डी के। ये हमें प्रूफ करना है गाइस, ठीक है, कि ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए मैंने की कंस्ट्रक्शन, यानी कि रचना, इस रचना के अकॉर्डिंग मैंने क्या काम किया, जॉइन ए एंड सी, ए और सी को मिलाया, ठीक है गाइस, मैंने ए और सी को मिला दिया। अब गाइस ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, मतलब मेरा सी डी पैरेलल होगी किसके, ए बी के, एंड ए डी पैरेलल होगी किसके, बी सी के, सी डी पैरेलल होगी ए बी के एंड ए डी पैरेलल होगी बी सी के, ये मेरा गिवन पार्ट होगा, क्यों, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, और अपोजिट साइड इक्वल है, ये मुझे प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए मेरे पास ट्रायंगल नंबर 1 है और ट्रायंगल नंबर 2 है, दो ट्रायंगल है, मैं दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, ए
सी डी और दूसरा ट्रायंगल बी ए सी, ये ट्रायंगल नंबर वन है मेरे, ये ट्रायंगल नंबर टू है। ठीक है गाइज, अब इसको करने के बाद मैंने आपको बताया गाइज, अगर दो लाइनें पैरेलल होती है और उनके बीच में जेड की शेप बन रही हो तो वो अल्टरनेट एंगल होता है। जैसे कि देखो आप, मैं आपको दिखाता हूँ, जेड की शेप बन रही है तो ये एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, इसको नंबर एक दे दो, इसको नंबर दो दे दो, ये एंगल नंबर वन है और ये एंगल नंबर टू है। ठीक है, ये हो गया मेरा अल्टरनेट एंगल, एक तो ये होगा, ये नंबर दो है और ये नंबर एक है। ठीक है, और दूसरा एंगल मेरा ये होगा। ठीक है, ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, इसको नंबर तीन दे दिया, इसको नंबर चार दे दिया, ये एंगल नंबर थ्री है और ये एंगल नंबर फोर है गाइज। ठीक है, तो मैंने इसमें भी ऐसे ही कर दिया, एंगल नंबर थ्री और एंगल नंबर फोर। ठीक है गाइज, और देखो एसी इसमें भी आ रहा है, एसी इसमें भी आ रहा है, तो एसी एसी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा कि मेरा एंगल एक इक्वल एंगल दो के है। देखो जरा ये रहा, ये एंगल एक है और ये एंगल दो है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण। ठीक है गाइज, एकांतर कोण हो गया, और एसी इसमें भी आ रही है, एसी इसमें भी आ रही है, एसी एसी मेरा हो गया कॉमन पार्ट, यानी कि उभयनिष्ठ। ठीक है गाइज, और फिर दोबारा से मेरा एंगल तीन इक्वल हो गया एंगल चार के, एंगल तीन इक्वल हो गया एंगल चार के, ये भी रीज़न क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण। ठीक है गाइज, जैसे कि मैंने दिखाया आपको, ये रहा एंगल तीन बराबर हो गया एंगल चार के, तो पहले मेरा एंगल आया, फिर मेरी साइड आई और फिर मेरा एंगल आया। इस रूल से ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रूएंट होगा ट्रायंगल ए बी सी के बाय ए एस ए। इस रूल से गाइज क्या हो गया, कॉन्ग्रूएंट हो गया, और कॉन्ग्रूएंट ट्रायंगल के सारे पार्ट इक्वल होते हैं बाय सी पी सी टी। ठीक है गाइज, तो मैं क्या लिखूँगा कि जो मेरी साइड सी डी है इक्वल होगी ए बी के, सी डी इक्वल होगी ए बी के बाय सी पी सी टी। ठीक है, और ए डी इक्वल होगी मेरी बी सी के, ए डी इक्वल होगी मेरी बी सी के, ये भी क्या होगी बाय सी पी सी टी। ठीक है, ये थी मेरी थ्योरम नंबर 8.2। गाइज अगर आपको इसमें कोई 8.1 और 8.2 थ्योरम में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइज। ठीक है, ओके, बाय बाय।